नमस्कार एवरीवन। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रॉक टोस्ट। एक्चुअली मैं रक्षाबंधन के लिए अपनी मम्मी के यहाँ आई हूँ, तो मैं अपनी मम्मी की जो मुझे बहुत ही अच्छी रेसिपी लगती है वो बनाने जा रही हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रॉक टोस्ट। तो उसके लिए ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं, मैंने यहाँ पर कुछ 12 पीसेस ब्रेड के लिए हैं। यहाँ पर मैंने आधा बाउल रवा लिया है, बारीक रवा। आधा बाउल मैंने मिल्क लिया है, आधा बाउल मैंने फ्रेश क्रीम ली है। और इसके बाद जो वेजीज हम यूज़ करने वाले हैं वो लिए हैं हमने 2 मीडियम साइज के अनियंस, एक हमने ककड़ी ली है और नींबू लिया है। और उसके बाद हमने लिया है 2 हरी मिर्च, हरा धनिया और 3 टमाटर मीडियम साइज के। तो अब हम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम जो प्रेपरेशन करेंगे उसमें हम इन वेजीज को बारीक बारीक कट कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम ये जो रवा है इसको हम थोड़ा सा हल्का सा एक कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पर, और इसको हल्का सा गरम करना है बस हमको। इसको गरम करके हम प्रिपेयर कर लेंगे और फिर इन स्लाइस के लिए हम स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने स्टफिंग के लिए जो हम मिक्स करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हमने सॉल्ट लिया है एंड अकॉर्डिंग टू टेस्ट जितना तीखा आप पसंद करते हैं उतना हमने लाल मिर्च लिया है। तो अब हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये रवा कढ़ाई में ले लिया, हम इसको जस्ट थोड़ा सा गर्म करना है। गर्म करने के बाद हम इसको मिल्क में फूलने के लिए रख देंगे, गलने के लिए रख देंगे, और तब तक ये गलेगा जब तक हम वेजेस कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रवा जो है हमने दूध में भिगोया था वो फूल कर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो वेजेस हमने कट कर कर रखी हैं एकदम बारीक बारीक, उनको हम ऐड कर देंगे। जैसे कि हमने ये हरा धनिया, हरी मिर्च एंड जो खीरा है उसको कट करके रखा था, तो हम वो मिक्स कर रहे हैं। अनियन मिक्स कर रहे हैं, टोमेटो मिक्स करेंगे अभी, ये हमने अनियन मिक्स कर दिया है। अब हम ये टोमेटो मिक्स करेंगे। इसके बाद हम नींबू थोड़ा सा जो है बाद जब इसको मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसको निचोकर डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा इसको इसमें फ्रेश क्रीम भी डालेंगे जो हमने रखी थी, फ्रेश क्रीम डालेंगे। और इसके बाद अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम सॉल्ट डालेंगे, ये हमने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। और अकॉर्डिंग टू आर नीड हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं, जितना भी तीखा आप पसंद करें खाना। और इसके बाद हम इसको अच्छे से चला देंगे। और फ्रेंड्स, हम इसमें ये नींबू का रस डाल रहे हैं, एक नींबू का रस डाल देंगे हम इसमें। तो फ्रेंड्स, हमने जो मसाला प्रिपेयर कर लिया था उसके बाद हम अब इस स्लाइस को तैयार करेंगे। स्लाइस पे हम थोड़ा थोड़ा क्रीम मिक्स मिल्क लगा रहे हैं, अच्छे से हमको इसको लगाना है, पूरा ब्रेड जो है अच्छे से इससे जो है गीला हो जाए। इसको मिल्क को इस तरीके से हमको लगाना है। अब हमने जो मसाला प्रिपेयर किया है उसको हम अच्छी तरह से इसमें भर देंगे इस तरीके से। और अब सेकंड ब्रेड को भी हमको इसी तरीके से तैयार करना है मिल्क लगाकर, ये इस तरीके से हमको मिल्क लगाकर इसको प्रिपेयर करना है अच्छे से। और अब हम इस स्लाइस को, ये जो स्टफ्ड हमने मसाला भरा है इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पर हमने शुद्ध देसी घी लिया है इसको जो है रोस्ट करने के लिए, तो हमने ये इसके साथ हम इसको रोस्ट करेंगे। यहाँ पे हमने तवा लिया है, आयरन तवा लिया है, इसको हमने गरम कर लिया है यहाँ पर। और अब हम इसको आराम से जो स्लाइस हमने तैयार की है स्टफ स्लाइस, इसको हम अच्छे से इस पर रख कर गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने इस तरीके से इस पर रख दिया है और अब हम इस पर अच्छे से ये फैला देंगे। थोड़ा सा हम इसके साइड्स में डाल देंगे घी, और यदि आप थोड़ा सा हेल्दी खाना चाहते हैं थोड़ा सा घी कम यूज करें और नॉन स्टिक तवे का यूज करें, उसमें ऑयल जो है वो कम लगता है। एक्चुअली जो आयरन तवा होता है उसमें जो टेक्सचर है सैंडविच का या रॉक टोस्ट जो हम बनाने जा रहे हैं उसका टेक्सचर अच्छा आएगा। ये देखिए कितना प्यारा टेक्सचर आया है, इसलिए हमने ये आयरन तवा यूज किया है। फ्रेंड्स, इस कलर तक आने तक हमें इस रॉक टोस्ट को सेकना है, और अब हम सारे रॉक टोस्ट को इसी तरीके से तैयार कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स तैयार हैं हमारे मज़ेदार रॉक टोस्ट, आप इनको ज़रूर ट्राई करें और कैसे लगते हैं मुझे कमेंट कर कर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।